4 है, उसमें बहुत सारे सुविधाएं शासन की तरफ से हम लोगों को मिली है, लेकिन लॉकडाउन यथावत है। रात के शाम के 7 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक वैसे ही कर्फ्यू लगा रहेगा जैसे कि पहले लगा हुआ था। जो हमारे आवश्यक सामग्री की दुकानें हैं वो जरूर खुली रहेंगी, वो जैसे पहले खुली थी अभी भी खुली रहेंगी। कुछ अन्य दुकानों को जैसे रेस्टोरेंट्स हैं या मिठाई की दुकान है, उनको हम लोगों ने ओपन करने के लिए उनको अलाउ किया हुआ है, लेकिन वो बैठाल के किसी को खाना नहीं खिला सकते, मिठाई नहीं खिला सकते। वो होम डिलीवरी के लिए खुली हुई है एवं किसी को काउंटर से लेके जाना है तो उसके लिए खुली हुई है। इसके अलावा कुछ ऑटो पार्ट्स के शॉप्स को हम केस टू केस बेसिस पे भी परमिशन दे रहे हैं। साथ में इंडस्ट्री को अलाउ किया हुआ है, इंडस्ट्रीज खुल सकती हैं। अभी ये मूवमेंट सेक्टर में रखा गया था, लेकिन इसको बहुत शीघ्र सेक्टर भी समाप्त किया जाएगा। मेरा सबसे अनुरोध ये रहेगा कि ये सब देखते हुए आवश्यक है कि अभी हम ये बात को समझें कि कोरोना समाप्त नहीं हुआ है, इसका संक्रमण अभी भी फैल सकता है। इसलिए फिजिकल डिस्टेंस जो हमको रखना है, 2 गज की दूरी, वो हम रखें, मास्क पहन के रखें, पब्लिक प्लेस को अवॉइड करें, कभी जाना पड़ता है तो मास्क पहन के ही जाएं, और पर्सनल हाइजीन रखें, हैंड हाइजीन रखें, हैंड वॉश करते रहें। यदि आपके पास सैनिटाइजर नहीं है तो सबसे अच्छा विकल्प है साबुन, साबुन रखिए, हाथ धोते रहिए। जो हमारे जो ऐसे समस्त एसेंशियल गुड सप्लाई करने वाले साथी हैं, चाहे वो किराना स्टोर हो, चाहे मेडिकल स्टोर हो, चाहे हमारे सब्जी बेचने वाले साथी हैं जो नगर निगम की तरफ से सब्जियां बेच रहे हैं, या अन्य हॉकर्स हैं, उन सबसे भी मेरा यह अनुरोध रहेगा कि आप मास्क पहन के ही अपना व्यापार करें। आप हाथ धोने के लिए साबुन जरूर रखें, समय समय से हाथ धोते रहें। ऐसा ना हो कि आप हाथ धोने में देरी करें और वो संक्रमण आपको आपको प्रभावित कर सके। सबसे ज्यादा यदि कोई रिस्क पे है तो हमारे जो ऐसे लोग हैं जो एसेंशियल कमोडिटीज प्रदाय कर रहे हैं, लेकिन वो रिस्क पूरी तरह से कम की जा सकती है यदि हम इन बातों का पालन करें कि हम मास्क पहने और लगातार हाथ साफ करते हैं।